जान के मुद्दे पर वो पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सदमन जी, लीडर अपोजिशन राम गोविंद चौधरी जी, साथ में रहे मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, हमारे नवारासी पूर्व सांसद अमर अखिलेश जी और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उनके आने से समाजवादी पार्टी का कारवा और बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में ये निश्चित है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, उसकी तैयारी आज हो रही है। सबसे पहले पूर्व मंत्री बहुत ही सम्मानित आदरणीय इनका स्वागत करता हूं, साथ ही साथ गोरखपुर के जीतन निषाद जी, सुशील चंद साहनी जी, बेचन निषाद जी, इनका स्वागत करता हूं, आर के मिश्रा जी, अनिल सिंह पूर्व विधायक जो आज पार्टी में शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई, इंजीनियर श्री नूर मोहम्मद खान साहब और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुत ही पुराने नेता समाजवादी पार्टी में रहे, लगातार मजबूत बनाते रहे, आदरणीय शेख सुलेमान साहब पूर्व विधायक कुछ दिनों के लिए नाराज होकर के चले गए थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी को और बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितेंद्र सिंह कटियार, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, यशवीर सिंह पूर्व सांसद जो हमारे साथ भी सांसद रहे, कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चले गए थे, पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनको और इनके तमाम बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, हॉल में नहीं आ पाए हैं, हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरिशंकर राजभर जी, मुन्ना यादव जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, उनको बहुत बधाई। पवन पांडे जी के साथ जो लोग आए हैं अयोध्या फैजाबाद के, उनको भी बहुत स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। अब्दुल कलाम मलिक साहब, अब्दुल हफीज मलिक, अब्दुल लतीफ मलिक और बड़ी संख्या में इनके साथी हैं जो हॉल में नहीं आ पाए, बाहर खड़े हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ बड़ी संख्या में नौजवान जो लगातार साइकिल यात्रा पर रहे, रामपुर से चलकर के लखनऊ तक आए, वो इस हॉल में नहीं बैठ पाए हैं, जो बगल का छोटा हॉल उसमें बैठे हैं, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अब्दुल वही जो पुराने पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और जो नाम छूट गए हों, क्योंकि नाम पढ़ने में गलती हो जाएगी, लेकिन कुछ नाम पढ़ दे रहा हूं मैं। सुभाष सिंह, प्रदीप जोशी, शेखर यादव, कवि बंधु, अभिनव, अशोक, आफ्ताब, उमेश त्यागी, बड़ी संख्या में इनके साथी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं जो मंच पर छूट गए होंगे। एटा के हमारे सभी साथी, उनको बहुत बधाई। रजत शर्मा और इनका एक संगठन है, ब्राह्मण समाज में लगातार काम करते रहे, युवा साथी हैं, युवा जुड़े हैं इनके साथ, कई जिलों के इनके संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सबको भी आज समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है,
जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से, जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को, जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। दुनिया में जो विकास हुआ है उनकी तस्वीरें लगा करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी को कि आखिरकार विकास क्या है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है, और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखता है। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कई बार रहे प्रधानमंत्री देश के। मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था। सर 25 दिसंबर 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास कराया गया था मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो जगह भी ली गई थी उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, वो वही जो समाजवादी सरकार में चक गजरिया सिटी डेवलप हो रही थी, उसी जगह में मेडिकल की एक दूसरी जगह को कैंसिल कर करके अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का जगह छीनी गई थी। आज कितना समय गुजर गया है, आज कितना समय गुजर गया, सरकार आज भी उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर कहीं चल रही है तो वो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर, जो नेताजी ने मेडिकल कॉलेज बनाया था उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचिए, जो सरकार दूसरे का काम चोरी करती हो, अपने नेता का सम्मान न करती हो, उनके गांव में न जाने क्या क्या वादा किया गया कि काम होगा, आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आदि राम यशमन जी उसी जिले के हैं, जितने वादे किए गए थे बटेश्वर में, एक भी काम नहीं हुआ है बटेश्वर में। और हम भरोसा दिलाते हैं बटेश्वर के लोगों को, समाजवादी सरकार में मंदिरों का भी संरक्षण हुआ था, वहां पर घाट भी बने थे, साइकिल हाईवे भी बना था, और विकास के कार्य भी हुए थे, मेला लगता था उसका भी सुंदरीकरण हुआ था, वहां पूरी की पूरी शीशे काम हुआ था। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी या कॉलेज बनाना पड़े तो बटेश्वर में बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज भी सरकार 4.5 साल के बाद नाम बदल रही है, रंग बदल रही है, और अभी हाल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर वही जगह है, कुछ वर्षों पहले भी वहां गए थे जब गरीब बच्चों को मिलना था, गरीब परिवारों को मिलना था, मजदूर किसान और गरीब परिवारों के बच्चों को, परिवारों को साबुन और शैंपू बंटवाए गए थे। शैंपू और साबुन बंटवाने का कारण यही था कि गरीबों की, किसानों की बदबू ना आ जाए सामने। 4 साल पहले कुशीनगर में गरीबों को, किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन शैंपू बंटवाया गया था, और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए।
जनता सवाल पूछती उनसे, इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। बगल के जिले में गोरखपुर के भी लोगों को याद है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन न रहने की वजह से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर के तो थे ही बच्चे, लेकिन कुशीनगर के भी बड़ी संख्या में बच्चे थे। इस सरकार ने ऑक्सीजन छीनी है और हमने आपने देखा है कोरोना के समय पर, कोविड के समय पर लोग भागते रहे, लोग इंतजाम करते रहे। इस सरकार ने न दवाई का इंतजाम किया, न बेड का इंतजाम किया, लोगों को अनाज छोड़ दिया और ऑक्सीजन का भी इंतजाम नहीं कर पाई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन न आय बता रहे हैं और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। इसलिए एक बार फिर मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं, इन्होंने बहुत शानदार गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। केवल गाना लिखा रह जाए और अगर उसमें मेलोडी ना हो, म्यूजिक ना हो, तो वो अधूरा सा लगता है। इसलिए अल्तमस फरीदी, जिन्होंने गाना गा करके बिलाल सहारनपुरी की कविता के चार को चार चांद लगा दिया, और अवनीश कुमार जी को भी बधाई देता हूँ, साथ ही में इस टीम को जोड़ने वाले आशु मलिक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है, अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी को भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चला दिया, ये कहां का कानून है, कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली? ये जो सरकार के सारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करें। आप कब मिलके आए थे, इसलिए कुछ जानते ही नहीं।
मैं विजन ठीक करा लें। मैंने सुना नहीं उनका भाषण, लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे तो मर्यादाएं और कानून तोड़ रही सरकार, अखिलेश यादव ने कहा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिसके घर सरकार न तोड़े, सरकार बनने पर उन्हें बनवाएं और सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं अफसर। पीले पंजे का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार का नाम ही बुलडोजर रख देना चाहिए, क्योंकि कैसे किसके घर को तोड़वाना है अलग अलग बहानों से ये सरकार करती है। जबकि एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का भी जिक्र किया और कहा कि उसका भी नक्शा पास नहीं है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।